मिर्जापुर बुधवार को सपा के मझवा विधानसभा प्रत्याशी रोहित शुक्ला के समर्थन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य तथा जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान आम घाट स्थित गड़बड़ा देवी मंदिर के प्रांगण में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए मझवा विधानसभा 397 के सपा प्रत्याशी रोहित शुक्ला उर्फ लल्लू को मझवा विधानसभा से विजयी बनाने के लिए अपने पार्टी और जनता से अनुरोध किया और साथ ही यह कहा कि 7 मार्च को पोलिंग बूथ पर जाकर साइकिल का बटन दबाकर मझवा विधानसभा से सपा प्रत्याशी रोहित शुक्ला उर्फ लल्लू को विजय बनाए। हमारी पतन कहाँ दबेगी, हमारी पतन कहाँ दबेगी। देखिए भैया, इस इलाके में राजभर भाइयों एक एक और चुन करके साइकिल पर आप लोगे तो प्रकाश राजभर को मिलेगा, प्रकाश राजभर को मिलेगा। और ये भ्रम में मत रहना, यहाँ 80,000 और ब्राह्मण का है, कोई नारी कला कला को नहीं हरा सकता है। चौहान समाज के लोग मन बना चुके हैं, 50 रुपया कौआ हो गया, जो पेट्रोल 60 रुपया लीटर था वो 100 पार, जो रेलवे पे भारत टिकट ₹5 का था वो 50 रुपया, जो 50,000 की मोटरसाइकिल थी वो 90,000। हम तो कहते हैं मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, आप लोग अपना अच्छा भी ले लो, हम लोगों का बुरा भी लौटा दो, हम लोग भी उठा लेंगे। तरीका में गलत कर प्रदेश में जिस दिन आप लल्लू यादव जी को मझवा से जिला के भेजोगे, लल्लू शुक्ला जी को, रोहित शुक्ला और लल्लू शुक्ला इनको जिला के भेजोगे, देखो हम भी चुनाव लड़ रहे हैं जहूराबाद, लेकिन एक दिन भी नहीं जाता हूँ। 8 महीने से घूम के प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, चाहे हरियाणा का बाजार हो, चाहे बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे लखनऊ का इलाका हो, चाहे पूर्वांचल का इलाका हो, एक भी नहीं जा रहा हूँ। और चुनाव कम से कम 70,000 वोट से जीत के लल्लू शुक्ला के साथ ठीक है। वहाँ जाने के बाद एक कानून बनेगा, वहाँ एक कानून बनेगा, कोई गरीब किसी जाति धर्म का होगा, बीमार होगा, इलाज कराना या ऑपरेशन कराना, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीब का इलाज फ्री में किया जाएगा। ये कानून का प्रदेश में बनना चाहिएगा। चौथा कानून क्या बनेगा, देश में जरूरत पड़ेगी तो पहुंचाया जाएगा। ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। क्या होगा, हमारे योगी बाबा कह रहे हैं कि हम नौजवानों की गर्मी निकाल देंगे, और ओम प्रकाश राजभर कह रहा है आए नौजवानों मजबूती से लग करके आप लल्लू शुक्ला जी को जिताओ, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाकर हम तेरे लिए भर्ती निकाल देंगे। खाली है 5,11,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, आईटी सेल में 22,00,000 तक खाली बना करके भर्ती कराने का काम किया जाएगा साथी। और हमारे योगी बाबा जी ये काम करके सुन लो, तेरा पेपर लीक हुआ है, 16 पेपर लीक हुआ है, तेरा लीकेज बंद करूंगा और पुलिस पीएससी मले मले की भर्ती निकाल करके नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है, काम किया जाएगा। बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? भाजपा के लोग आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, भाजपा के लोग आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ और लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ। इससे सावधान रहना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, इन्होंने नारा दिया है गरीबों तेरा बुरा दिन चल रहा है, आओ अच्छे दिन आएंगे।
अब अच्छा दिन लेवे के चक्कर में सब लोग चल गई। मिर्जापुर से निजामुद्दीन की रिपोर्ट, पी न्यूज।